दोस्तों आज मैं 31 जनवरी का आपको ये कुफरी टू शिमला का रोड दिखा रहा हूँ। ये कुफरी से जस्ट हमने स्टार्ट किया है और अभी अगर आप देखेंगे यहाँ, ये तो रोड के दोनों साइड ही आपको बर्फ दिख रही है। थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी है, ज़्यादा नहीं हुई है स्नोफॉल, लेकिन आज 31 है तो फर्स्ट और सेकेंड को काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। तो खैर जब तक होने तक तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन इस बार सीजन की फर्स्ट एक रिमार्केबल स्नोफॉल बोल सकते हैं इसको। वो ज़्यादा तो नहीं हुआ बट स्टिल गुड सिग्निफिकेंट वन, कुछ तो हो ही गया। तो वो थोड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी लंबा स्पेल रहा इस बार ये ड्राई विंटर्स का पूरे हिमाचल प्रदेश में। रोड के दोनों साइड देखिए ये कितना बढ़िया सा दिख रहा है, लेकिन ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा अगर ये एक दो दिन में हेवी स्नोफॉल हो जाता है तो। अभी तो खैर रास्ते साफ हैं, ये गाड़ियाँ की हम लोग शाम को लगभग ये 4 बज रहे हैं अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और ये कुफरी से शिमला के रास्ते में ठंडा नाला, यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट देखिए अभी मस्ती करते हुए बर्फ़ के गोले बना के खेलते हुए, क्योंकि इस जगह पे थोड़ा सा प्लेन ग्राउंड सा जगह है तो यहाँ पे काफ़ी एक स्कोप हो जाता है टूरिस्ट के लिए थोड़ा रुक के एंजॉय करने का। तो यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, छड़ावड़ा मिलेगा हमें और आई एम श्योर कि वहाँ पर थोड़ा बर्फ़ जो है और कम हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा अपडेट आपको देना चाह रहा था, 31 को आज सुबह में लगभग 9 से 11 के बीच में स्नोफॉल हुई है। तो ये स्नोफॉल अच्छी स्नोफॉल तो थी लेकिन थोड़ी वेट थी, तो इतनी टिकी नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, बट फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये देखिए वाइल्ड फ्लावर हॉल जो शिमला का 5-स्टार होटल है उसके बैक वाला एरिया है ये, और ये वहाँ का भी हम लोग व्यू देख पा रहे हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट अभी आज शिमला का रुख करते हुए, कुफरी का स्पेशली, क्योंकि शिमला में स्नोफॉल नहीं हुआ है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है जस्ट कुफरी में। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ तो ये नज़ारे कुफरी के हैं, कुफरी से शिमला के रास्ते का। थोड़े थोड़े तो हैं रोड के दोनों साइड, काफ़ी फॉगी वेदर है तो होपफुल है कि कल काफ़ी हेवी स्नोफॉल हो सकती है या रात में ही हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। तो फिलहाल तो आप इसको देखिए और एंजॉय करते रहिए। अगर आप यहाँ शिमला नहीं आ सकते हैं फिर भी आप मेरे वीडियोस के माध्यम से आप ये सारे अपडेट्स और एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आपको अगले अपडेट्स भी मिलते रहें। ये हम छावड़ा पहुंच चुके हैं, छावड़ा यहीं पे है राष्ट्रपति निवास प्रेसिडेंट रिट्रीट, तो वो भी ओपन हो चुका है टूरिस्ट के लिए। देखिए यहाँ से छावड़ा से नीचे उतरते ही ये बर्फ का नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल कोई बर्फ नहीं है, कोई स्नो नहीं है, केवल धुंध ही धुंध है। तो ये होपफुल जरूर है हम लोग की शिमला में भी बर्फबारी आज रात या कल हो जानी चाहिए, लेकिन धुंध काफी ज्यादा डेंस, बिल्कुल फॉगी सा ये अभी दिख रहा है। थोड़ा सा ड्राइव करना मुश्किल होता है ऐसे मौसम में, लेकिन थोड़ा अगर आप कॉशस रहें तो आप ड्राइव कर सकते हैं इजीली। हल्की बूंदाबांदी हो रही है इधर शिमला वाले रास्ते में छड़ावड़ा से आगे, तो कुफरी में तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक बर्फ वगैरह पड़ गई है, बट अब ये आधे रास्ते आने के बाद इधर कुछ हमें मिल नहीं रहा है। और ऐसा ही लगभग शिमला तक भी होगा। और जब हेवी स्नोफॉल होती है तो रोड्स के दोनों साइड में जब स्नो लगे होते हैं, बर्फ लदे होते हैं लगभग 2-3 फुट तक, और उसको स्नो कटर साफ कर देता है, रोड्स तो चलने लायक हो जाता है, उसमें बड़ा ही खूबसूरत लगता है ड्राइव यहाँ शिमला का। तो अगर वैसा कुछ होगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, फिलहाल तो आप ये व्यू ही देख लीजिए। और ऐसे में ये गाड़ियां भी धीरे चलती हैं, जैम वैम भी लग जाता है, ट्रैफिक भी स्लो हो जाती है, संभल के चलाना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुफरी से शिमला का ये रोड कैसा हो सकता है स्नोफॉल में, ये दिखाने की मैंने कोशिश की है।
जहाँ दोस्तों मैंने आपको कुफरी में दिखाया कि कैसे स्नोफॉल हुआ, बड़े वीडियो में देख सकते हैं, आज ही जो मैंने अपलोड किया था। और ये इन रास्तों से होते हुए हम आ गए ढली शिमला, तो शिमला पहुंच चुके हैं। यहाँ भी धुंध तो लगा हुआ है लेकिन मौसम अभी उतना बना हुआ नहीं है जैसा कि कुफरी में था, लेकिन यहाँ भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है स्नोफॉल। तो थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं उस टाइम का, जैसे ही कुछ होगा आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। ये रहा शिमला का ढली चौक, बिल्कुल मेन मार्केट में है ढली के। यहाँ से शिमला अर्बन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भी वैसे क्लाउडी वेदर है लेकिन मौसम अभी तो थोड़ा साफ लग रहा है। यहाँ पे वैसे भी क्लाउडी वेदर लग रहा है लेकिन मौसम फिर भी उतना डेंजरस नहीं लग रहा जैसा कि कुफरी में लग रहा था। सामने की ओर हाँ थोड़ा फॉग तो दिख रहा है, ऊपर की ओर पहाड़ियों पर अगर देखे तो आधे घर दिख रहे हैं, आधे छुपे हुए हैं इन फॉग्स में। तो हम लोग अब इधर से संजौली होते हुए शिमला की ओर जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा संजौली का भी व्यू दिखाता हूँ, अभी संजौली मार्केट से होके हम लोग निकलेंगे। और यहाँ के रास्ते बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साइड में कोई स्नोफॉल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे स्नोफॉल हुआ ही नहीं है थोड़ा भी। तो शिमला में थोड़ी इस बार नाराजगी रही है, इंद्र भगवान की बोले या नेचर गॉड की बोले तो स्नोफॉल हुई नहीं है शिमला कुफरी में। कुफरी में थोड़ी सी झलक तो देखने को मिल गई लेकिन अच्छी खासी वाली स्नोफॉल का अभी भी इंतजार रहेगा। हम सभी लोकल्स को और टूरिस्ट को तो रहताएंगे, हमेशा मौज मस्ती करने के चक्कर में रहते हैं वे, तो उनको भी अच्छी खासी स्नोफॉल का इंतजार है अभी। ये सब्जी मंडी ढली, और यहाँ अब हम लोग सब्जी मंडी को क्रॉस कर रहे हैं। काफी ठंड है, बिल्कुल जो शिवरिंग कोल्ड बोल सकते हैं वैसा है टेम्परेचर। अभी दिन के टाइम पे 4 बजे भी 0 डिग्री बता रहा है अभी, तो ठंड काफी है। हाथ ऐसे झंझना रहे हैं, स्टेयरिंग पे हाथ रखा हुआ हूँ मैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल जम ही गया है, बोलने में भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 31st के शाम को 4 बजे का ये यहाँ का शिमला का वेदर, क्लाउड्स और स्काई देख सकते हैं आप क्या सिचुएशन है। ये रहा टनल यहाँ का, ये आपको मैं पहले एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ डिटेल इसके ऊपर, तो आपने देख के एंजॉय किया ही होगा। तो बहुत ही शानदार टनल बनाई है ढली टनल सिमेट्री में, जो संजौली और ढली को जोड़ता है। लगभग 154 मीटर लंबे इस टनल को जोड़ा गया है। टनल क्रॉस करने के बाद हम लोग संजौली के मेन मार्केट में पहुंच गए हैं, सामने विशाल मेगा मार्ट। यहाँ का सिचुएशन आप देख लीजिए, अभी वेदर ठंड काफी है, थोड़ी सी बारिश भी हुई है, पानी वगैरह दिख रहा है रोड के अगल बगल दोनों साइड में। तो दोस्तों ये सिचुएशन रहा कुफरी और शिमला का, आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये संजौली का ही मार्केट है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा मार्केट है ये, सिमेट्री टनल से स्टार्ट होके संजौली चौक पे खत्म होता है। शिमला के मार्केट्स में स्पेशली संजौली में ये
रोड्स पे काफी ट्रैफिक होते हैं दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे भी और सुबह में भी, जैसा कि आप अभी देख ही पा रहे हैं। संजौली और ढली को जोड़ने वाला एक और रोड है बाईपास रोड, जहां से बसेस भी जाती हैं। इस रास्ते से मार्केट से होके बसेस अलाउड नहीं है, जैसे कि वो छोटी गाड़ियां ही जा सकते हैं इन रास्तों से। ये संजौली का ऑलमोस्ट मैंने पूरा मार्केट आपको घुमा दिया। तो लगभग कुफरी से लेके शिमला तक कमोवेश वही सिचुएशन है। थोड़ी सी कुफरी में बर्फ देखने को मिली, लेकिन शिमला में कुछ नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से घूमें आप, एंजॉय करें और खुश रहें।